Hello my beautiful people, welcome and welcome back to my channel. I'm Shree here and I really hope that you guys are doing amazing. So aaj ke video mein main aap liye share karne wali hu ye makeup look. Ye maine create kara hai for this wedding season. Aap ise as a wedding guest makeup ya kisi bhi wedding function party ke liye aap ise create kar sakte ho. And is look ko create karne mein maine use kara hai blue heaven makeup concealer stick. This is a waterproof makeup स्टेक. इसी से मैंने ये पूरा लुक क्रिएट करा है. सो अगर आपको देखनी है ये लुक आप कैसे क्रिएट कर सकते हो विद ब्लू हेवन मेकअप स्टिक देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. सो आफ्टर माई स्किन केयर रूटीन यहाँ मैं अपनी स्किन को प्रेप करूँगी फाउंडेशन के लिए यूजिंग स्टेक वर्क की मेकअप प्राइमर. ये फाउंडेशन के लिए एक स्मूथ सा कैनवास क्रिएट करेगा एंड साथ ही साथ मेकअप को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा. सो मैं इसे अपनी टी जोन पे अप्लाई करते हुए पूरी फेस पे स्प्रेड कर लूँगी. सो इसके बाद हम अप्लाई करेंगे हमारा मेन ब्लू हेवन मेकअप स्टिक. ये है वाटरप्रूफ मेकअप स्टिक. सो इसे मैं अपनी पूरी फेस और नेक पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी लाइक दिस. देन मैं इसे ब्लेंड करूँगी विद अ ब्यूटी ब्लेंडर. बट गाइज ट्रस्ट मी, अगर आपकी ड्राई स्किन है देन आप इसके लिए मत जाइए. अगर जा भी रहे हो ना देन प्रॉपर मॉइस्चराइज करके अपनी स्किन को आप इसे अप्लाई करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग है. एंड आप इसे अगर आप एक कवरेज चाहिए आपको अच्छा खासा कवरेज चाहिए देन आप ब्रश ले सकते हो. बट यहाँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ एंड ब्यूटी ब्लेंडर से ये मीडियम टू सीयर कवरेज देता है, आप देख ही सकते हो. सो देन यहाँ मेवलिन ड्रामा जेल लाइनर से मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी. ओके सो आईब्रो हो जाने के बाद एंड मैं इसे थोड़ा सा कॉम कर लूँगी ताकि हमारी आईब्रो मैनेजेबल लगे. सो आईब्रो हो जाने के बाद मैं अपनी आईलिड पर सेम ब्लू हेवन का मेकअप स्टिक को अप्लाई करूँगी. बट अपनी अंडर आई के लिए एंड हाईलाइट के लिए मैं लूँगी स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर इन द शेड मीडियम बेज. एंड गाइस ब्लू हेवन मेकअप स्टिक में मेरा जो शेड था वो था 05 फेयर ग्लो. सो मैं अपनी अंडर आई एरिया पे ब्रीज ऑफ द नोज पे फोरहेड पे क्यूपिड बो एंड चिन पर मैं स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर अप्लाई कर लूँगी बहुत ही कम क्वांटिटी में एंड उसे मैं ब्लेंड कर लूँगी विद सेम ब्यूटी ब्लेंडर. एंड गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप सारी कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद अपनी आईलिड की कंसीलर को ब्लेंड करो ताकि वो क्रीज होने का टाइम उसे ना मिले क्योंकि कंसीलर आईलिड पे जल्दी क्रीज हो जाती है दस वाय. सो देन यहाँ मैंने लिया है लैक्मे का वाइटनिंग रोज पाउडर. मैं उसी से आईलिड को पहले सेट कर लूँगी देन बेक करूँगी अपनी अंडर आई को एंड जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था उस एरिया को सेट कर लूँगी लाइक दिस. मैं अभी पूरी फेस और नेक को बिल्कुल सेट नहीं करूँगी, बस अपनी अंडर आई को बेक कर रही हूँ ताकि जो हम आई शेडो अप्लाई कर अगर वो फॉल आउट होगा देन वो उसी पाउडर में रह जाएगा एंड कंसीलर भी अच्छे से सेट हो जाएगा. सो आई मेकअप के लिए मैंने लिया है दो आई शेडो का पैलेट. एक है मेवलिन का लेमनेड ग्रेस पैलेट एंड सेकेंड है वेट एंड वाइल्ड का शेडो पैलेट. सो वेट एंड वाइल्ड पैलेट से मैंने लिया है ब्लैक शेड एंड इससे मैं प्लेस करूँगी अपनी आउटर वी पर एंड इसे अच्छे से थोड़ा सा लाइक ब्लेंड करते हुए मैं इसे अप्लाई करूँगी आउटर वी पर. देन मेवलिन लेमनेड क्रेज पैलेट से मैंने लिया है आइस पॉप शेड इज अ पिंक शेड. इसे मैं ब्लेंड करूँगी वो ब्लैक शेड के साथ, ट्रांजिशन पे भी ब्लेंड करूँगी एंड क्रीज पर भी ब्लेंड करूँगी. एंड गाइज आई एम सो सॉरी अगर कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रही है, नॉइज आ रही है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, प्लीज़ इग्नोर कर लेना. सो देन स्विस ब्यूटी के कंसीलर से मैं कट क्रीज कर लूँगी. ओके सो कट क्रीज करने के बाद आपको थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा डैब डैब करना है लाइक ए सेट हो जाए कंसीलर. एंड गाइस आपको हैवी कंसीलर नहीं लेना है, बस थोड़ा सा कंसीलर लेना है, उससे आपका कट क्रीज हो जाएगा. सो देन लेमनेड क्रीज पैलेट से मैंने लिया है रोज़ गोल्ड शेड. इसे मैं कंसीलर जहाँ कट क्रीज पर अप्लाई कर लूँगी. दिस इज स्ट्रॉबेरी लेमनेड शेड, वेरी ब्यूटिफुल
रोज़ गोल्ड शेड. सो देन यहाँ मैं अपनी फ्लैट ब्रश को वेट कर रही हूँ विथ वेट एंड वाइल्ड नेचुरल मेकअप सेटिंग स्प्रे. एंड मैंने लिया है ब्लू एवन का डस्ट, सिमर डस्ट इन द शेड 04, इज अ ब्राउन शेड. इसे लेकर मैं वही रोज़ गोल्ड शेड के ऊपर इसे अप्लाई कर लूँगी. देन अगेन उसकी एजेस, कट क्रीज के एजेस को मैं सॉफ्ट कर लूँगी विद ब्लैक शेड अगेन. सो देन यहाँ मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ विद लैक्मे और लिक्विड इंस्टा लाइनर, लैक्मे इंस्टा लाइनर. एंड इनर कॉर्नर से थोड़ा सा विंग निकालूंगी ताकि एक एजी सा लुक आए. सो देन यहाँ मैं अपनी अपर लैशेज को अच्छे से कर्ल कर रही हूँ. एंड देन मैं अप्लाई करूँगी लॉट्स ऑफ मस्कारा. एंड यहाँ मैंने लिया है लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा. सो देन जो मैंने क्या करा था, हमने पिक करा था, तो मैं उसे रिमूव कर लूँगी एंड अपनी फेस, नेक एंड ईयर को अच्छे से सेट कर लूँगी. सो देन मैंने लिया है सेम आइस पॉप शेड, पिंक शेड, एंड उसे मैं स्मज करूँगी अपनी लोअर लैश लाइन पर. एंड गाइस दैट्स इट, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है एंड ये एक बहुत ही प्रिटी सा लुक देगा. सो देन यहाँ क्या था, ये लोरियल का ब्रॉन्जर है, उसी से मैं अपने फेस को कॉन्ट्रो कर लूँगी, अपनी चिक बोन, अपनी चिक बोन को, वाओ, अपनी चिक्स को, अपनी जॉ लाइन को एंड अपनी नोज़ को कॉन्ट्रोल कर लूँगी थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए. एंड आप चाहो तो आप क्रीम कॉन्ट्रोल भी कर सकते हो, बट इससे मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. सो देन मैं अपनी लोअर लैशेस पर भी लॉट्स ऑफ मस्कारा अप्लाई कर लूँगी क्योंकि हमने काजल नहीं अप्लाई करा है. सो अगर आप ज़्यादा मस्कारा अप्लाई करते हो देन वो एक बहुत ही प्रिटी सा लुक देगा. सो देन यहाँ ब्लश के लिए मैंने लिया है मेरा शुगा का मिनी ब्लश, दिस इज़ इन द शेड 03. सो देन यहाँ अगेन वेट एंड वाइल्ड की नेचुरल सेटिंग स्प्रे से मैंने अपनी पूरी मेकअप को सेट कर लिया है एंड इसे थोड़ा सा डैब डैब कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से. देन हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर फॉर द ग्लो. सो यहाँ मैंने अपनी सिवाना पैलेट से लिया है ये गोल्ड शेड एंड इसे मैं अप्लाई कर अप्लाई कर लूँगी अपनी फेस के हाइस्ट पॉइंट्स पर, लाइक माई चिक बोन, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन, फोरहेड एंड ब्रा बोन. एंड देन मैं अगेन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा सा डैब डैब कर लूँगी. ओह माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग विद मी. सो देन यहाँ लिपस्टिक के लिए मैंने लिया है स्ट्रे क्वेरी का लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड हॉट इन एवरी लैंग्वेज शेड नंबर 8. Yes, and this is a very beautiful, pretty red shade. This is a very darker shade. So, हमारा makeup finish होता है. This is the final finish look, guys. And I really hope आपको पसंद आ रही है ये look. And I'm so sorry जो भी सारे mistake आज हुई है. आज बहुत mistake हुई है क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ. And आपको अगर कुछ background noise आ रही है then please ignore कर लेना आज के लिए. So I really hope आपको ये eye look and glam सा eye look and bold lip shade आपको अच्छा लग रहा है, पूरा makeup look आपको अच्छा लग रहा है. अगर अच्छा लग रहा है then please hit that like button, share this video and comment down below. अगर नए आए हैं तो channel को subscribe करके bell icon को ज़रूर hit कर देना. And guys, अगर आपको कोई suggestion देना है इस video के बारे में then आप मुझे वो भी लिख सकते हो. So yeah guys, see you soon with another new amazing video. Till then take care and bye bye. And yes guys, आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो गो ऑन, चेक आउट देयर. बाय, टेक केयर, सी यू सून.